नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल कुलार के बांसखेड़ी में नाबालिग लड़के ने बच्ची से रेप किया। नाबालिग बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया, जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मौके से फरार हो गया। बच्ची रोते हुए अपने घर आई और पूरी आपबीती माँ को सुनाई। इसके बाद बच्ची की माँ ने थाने जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बच्ची को मेडिकल भी पुलिस ने करवाया है। ACP सुरेश कुमार दामले ने बताया कि बांसखेड़ी कुलार का रहने वाला परिवार मजदूरी करता है। उनकी 4.5 साल की बच्ची, पड़ोस में रहने वाले 17 साल के नाबालिग लड़के ने उनकी बच्ची से रेप किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम लगाई गई। टीम नाबालिग की तलाश में उसके घर गई, लेकिन नहीं मिला। आरोपी के घर में मिले डॉक्यूमेंट से उसके नाबालिग होने का पता चला। काफी तलाशने के बाद आरोपी पास में एक झुग्गी में छुपाने लगा। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। आरोपी 10वीं फेल बताया जा रहा है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया, जो बताया जा रहा है कि आरोपी जो है उसमें वो भी नाबालिग है 17 साल का। हाँ, कल दिनांक को ये बांसखेड़ी ये कोलार थाना क्षेत्र में वो बच्ची खेल रही थी अपने घर के सामने, 4 साल की बच्ची थी। तो एक विधि विरुद्ध बालक ही कहेंगे उसको, वो भी नाबालिग है, उसको आया और टॉफी खिलाने के बहाने उसने अपने घर में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। विधि विरुद्ध बालक को भी हिरासत में ले लिया है, उसको न्यायालय पेश कर दिया। वो दोनों मजदूर करते हैं, वो परिवार वाले बच्ची के भी और आरोपी भी। पड़ोसी मोहल्ले के। इससे पहले भी कुछ इस तरह की हरकत नहीं, पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं अभी इसकी। सर पता कैसे चल पाया इसका? उसके घर वाले रिपोर्ट करने आए थे बच्ची के। बच्ची को कैसे पता चला कि इस तरह रेप हुआ सर? बच्ची जब घर खेल के आई उसने अपनी माँ को बताया उसको कि ये कुछ मेरे साथ एक अंकल ने गलत किया है। फिर उसने बताया, उसने देखा उसकी माँ ने, फिर वो रिपोर्ट करने थाने आ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।